नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, हम हमारी फसल में इल्लियों, थ्रिप्स व अन्य कीटों को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इमामेक्टिन बेंजोइट कीटनाशक के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इमामेक्टिन बेंजोइट क्या है, इसकी कार्यविधि के बारे में, इसका उपयोग कौन कौन सी फसल में हम कर सकते हैं तथा इसके उपयोग से किन किन कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है, मार्केट में किन किन कंपनियों के ब्रांड नेम से जाना जाता है तथा इसका डोज क्या है। अगर आप फसल में कीटनाशक व किसी विभिन्न प्रकार की दवाई का स्प्रे करते हैं तो आप रक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, एप्रन, ग्लव्स को पहन कर पूरी सावधानी के साथ स्प्रे करें। इमामेक्टिन बेंजोइट क्या है? यह एक एवरमेक्टिन समूह का कीटनाशक है। इसका टेक्निकल नाम इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG है। SG का मतलब होता है सोल्यूबल ग्रेन्यूअल, जो एक घुलनशील कीटनाशक है। यह सेव जैसी आकृति का दिखता है। कार्यविधि, इमामेक्टिन बेंजोइट एक नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जिसमें सिर्फ ट्रांस सेमिनार एक्शन होता है। यह कीटों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। वह खाना नहीं खा पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक अनूठी प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है। यह पत्तियों के निचली सतह पर उपस्थित इल्लियों व कीटों को नियंत्रित करता है। इमामेक्टिन बेंजोइट बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और आपको बाज़ार में सभी कंपनियों का लगभग उपलब्ध हो जाएगा, जैसे धानुका कंपनी का EM1, कृषि रसायन कंपनी का क्रीस्टार, सिजेंटा कंपनी का प्रोक्लेम, टाटा रेलिस कंपनी का रेलोन, नागार्जुना कंपनी का ट्रस्ट, क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल, बायोस्टेट कंपनी का बायोक्लेम और भी बहुत सारी कंपनियों के इमामेक्टिन बेंजोइट बाजार में उपलब्ध हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट मुख्यतः तंबाकू इल्ली, छितकबरी इल्ली, गुलाबी इल्ली, फल छेदक इल्ली, तना छेदक इल्ली, फाल आर्मीवर्म, सेमिन ऊपर निम्न इल्लियों पर नियंत्रण करता है। इमामेक्टिन बेंजोइट का उपयोग हम हमारी फसल सोयाबीन, चना, मटर, भिंडी, कपास, गोभी, मक्का, मिर्ची आदि में कर सकते हैं। इसकी डोज व मात्रा 8 से 10 ग्राम प्रति पंप, 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में उपयोग करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप सिलिकॉन बेस्ड चिप को या कॉम्बिनेशन करें तो लेमड़ा साइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।